कल हमने स्टार्ट किया था लेसन सिक्स आपकी बुक का जिसमें अंदर हम लोग न्यूट्रिशन का टॉपिक स्टडी कर रहे थे न्यूट्रिशन में हमने टू पार्ट्स पढ़े थे वन इज़ ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन एंड सेकंड इज हैट्रोट्रोफिक न्यूट्रिशन हेट्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन जो था वो हमने आगे उसको देखा था थ्री टाइप्स में कन्वर्ट किया था जिसमें एक था होलोजोइक न्यूट्रिशन टुडे वी विल डिस्कस होलोजोइक न्यूट्रिशन होलोजोइक न्यूट्रीशन क्या होता है आइए देखते हैं होलोजोइक न्यूट्रिशन के सिक्स पार्ट्स के अंदर डिवाइड होता है फर्स्ट इज इंजेशन डाइजेशन एब्जॉर्बेशन एसिमिलेशन एंड ईजेशन आज हम लोग न्यूट्रिशन इन अमीबा का एग्जाम्पल लेंगे अमीबा में न्यूट्रीशन कैसे होता है आइए देखते हैं अमीबा क्या है एज यू नो अमीबा इज ए यूनिसेलुलर यू कैरियोटिक अमीबा इज यू कैरियोटिक सेल है रियोटिक मीन ट्र्यू यू मैंने ट्र्यू जिसके अंदर ट्र्यू न्यूक्लियस पाया जाता है अमीबा में जो होलोजोइक टाइप का न्यूट्रिशन होता है वो फाइव स्टेप्स में कंप्लीट होता है कितने स्टेप्स में कंप्लीट होता है इन फाइव स्टेप्स फर्स्ट स्टेप जो होता है वो है इंजेशन इन होलोजोइक न्यूट्रिशन द डाइजेशन ऑफ फूड फॉलोज आफ्टर द इंजेशन इंजेशन मीन इन टेक ऑफ फूड दस इंजेशन टेक्स प्लेस इन साइड द बॉडी ऑफ द ऑर्गेनिज्म होलो जो इक न्यूट्रीशन हैपन्स इन फाइव स्टेप्स मैंने आपको बताया वाया इंजेशन देन इंजेशन मीन इन टेक ऑफ फूड सबसे पहले हम लोग भोजन लेते हैं देन डाइजेशन एब्जॉर्बन एसिम्युलेशन एसिमुलेशन मीन यूटिलाइजेशन एसिमुलेशन का क्या मतलब होता है यूटिलाइजेशन ऑफ फूड ई जैशन मैंने आउट करना बॉडी से जो भी वेस्ट है उसको बॉडी से आउट करना ई जैशन कहलाता है अमीबा क्या है यूनिसेलुलर तो फर्स्ट ऑफ ऑल अमीबा का ये स्ट्रक्चर देखिए इसमें एक न्यूक्लियस है फूड पार्टिकल जैसे ही अमीबा के क्लोज आता है अमीबा के क्लोज आने के बाद अमीबा उसे कैप्चर करने की कोशिश करता है और स्यूडोपोडिया उसकी जो लैक्स का नाम है वो अपने चारों तरफ उसके भोजन के चारों तरफ लैक्स का फॉर्मेशन शुरू कर देता है सीडो का क्या मतलब है सीडो मैंने फेक सीडो मैंने फेक पोडिया मैंने लैग्स फेक लैग्स का फॉर्मेशन शुरू कर देता है ये देखिए जैसे ये दिख रहा है जैसे ही उसने भोजन को देखा फूड पार्टिकल को देखा यहाँ से वो अपनी लेग्स को फॉर्मेशन स्टार्ट करता है और फूड को इनटेक कर लेता है इट मीन फूड को इनटेक करने का क्या मतलब है इंजेसन स्टार्ट हो गया है फूड का इंजेसन स्टार्ट हो गया है तो फाइव स्टेप कौन से हैं नंबर वन इंजेशन जैसे ही फूड उसके पास में आया इन टेक हुआ किससे विद पोडिया देन क्या होता है सेकंड टर्म आप देखिए जैसे ही फूड उसके अंदर चला जाता है वो इनटेक कर देता है उसके चारों तरफ ये फूड वैक्यूल बनना स्टार्ट हो जाती है फूड वैक्यूल बनना स्टार्ट हो जाती है ये फूड पार्टिकल है फूड पार्टिकल के चारों तरफ क्या किसका फॉर्मेशन हुआ है फूड वैक्यूल का सेकेंड स्टेप कौन सा है डाइजेशन डाइजेशन में क्या होगा कॉम्प्लेक्स फूड जो है फूड जो भी उसने इनटेक किया है कैसी फॉर्म में होता है कॉम्प्लेक्स कॉम्प्लेक्स फूड को सिंपल फूड सिंपल फूड में कन्वर्ट किया जाता है जैसे कि हम लोग भी जो फूड लेते हैं उसमें हम लोग पहले उसको च्यू करते हैं उसको जो कॉम्प्लेक्स फूड है उसको सिंपल फूड में तोड़ना स्टार्ट कर देते हैं और सिंपल फूड में किसके प्रेजेंस में होता है सिंपल फूड में चेंज एंजाइम्स के द्वारा किसके द्वारा होता है एंजाइम्स के द्वारा यानी कि उसमें क्या बनने शुरू हो जाते हैं जैसे ही आप देखिए जैसे ही फूड उप को वैक्यूल फूड वैक्यूल होती है अंदर लेता है यहाँ पर एंजाइम्स का फॉर्मेशन स्टार्ट हो जाता है एंजाइम्स का फॉर्मेशन स्टार्ट होने के बाद एब्जॉर्प्शन थर्ड स्टेप जो है दैट इज़ द एब्ज़ॉर्प्शन एब्जॉर्प्शन में क्या होता है एज़ यू नो एब्जॉर्प्शन का मीन होता है किसी भी चीज़ को एब्जॉर्ब करना अपने अंदर ले लेना तो सेल क्या करती है जो ये सेल है वो अपने लिए जो उसके लिए यूजफुल पार्टिकल हैं न्यूट्रिएंट्स हैं यूजफुल न्यूट्रिएंट्स को क्या करती है वो एब्जॉर्ब कर लेती है सेल क्या करती है न्यूट्रिएंट्स को एब्जॉर्ब कर लेती है तो ये क्या कहलाता है थर्ड स्टेप क्या हुआ एब्जॉर्प्शन देन क्या होगा ये फोर्थ स्टेप एब्जॉर्बशन के बाद एसिमिलेशन का स्टार्ट हो जाता है एसिमिलेशन मैं आपको बता चुकी हूँ एसिमिलेशन का मीन होता है यूटिलाइजेशन ऑफ फूड यूटिलाइजेशन ऑफ फूड कि हमें किसके लिए ग्रोथ के लिए एनर्जी के लिए डेली रूटीन के वर्क के, के लिए हमें जो एनर्जी चाहिए जो हमें ग्रोथ करनी है देखिए ये अमीबा यूनिसेलुलर है यही सारे स्टेप्स यूज़ किए जाएंगे ह्यूमन बींग्स के लिए तो देन यू शुड रिमेम्बर ऑल द स्टेप्स ऑल द नेम्स क्या हैं आपको क्लियर होने चाहिए तब आप जाकर उसको ह्यूमन बींग्स के लिए भी पॉइंट्स क्लियर कर पाओगे तो एसिमिलेशन में क्या हुआ जो फूड का डाइजेशन हुआ है डाइजेस्टेड फूड जो है डाइजेस्टेड फूड सेल ने एब्जॉर्ब किया ठीक है और ये सेल ने उसको कहाँ यूज़ कर लिया अपनी एनर्जी के लिए डेली रूटीन के लिए जो अमीबा को भी तो कुछ काम करने पड़ते होंगे बेचारे को यूनिसेलुलर होने से क्या कोई काम नहीं कम हो जाते तो उसे अपनी ग्रोथ भी करनी है तो ग्रोथ एंड एनर्जी के लिए क्या करना पड़ता है उसे ग्रोथ और एनर्जी के लिए उसे डाइजेस्टेड फूड का एसिमिलेशन हो जाता है फाइव फिफ्थ क्या बचा ईजैशन फिफ्थ पॉइंट क्या बचा ई जैशन ई जैशन का क्या मीन होता है जो भी अनडाइजेस्ट फूड है जो भी अनडाइजेस्ट यानी कि वेस्ट अनडाइाइजेस्ट जो फूड है वेस्ट मटेरियल है जो हमारी बॉडी के या अमीबा की बॉडी के यूज़ का नहीं है वो क्या होता है जैसे ये है तो वो बॉडी के उससे से बाहर थ्रो कर दिया जाता है तो आउट करना अनडाइजेस्टेड फूड को बॉडी से आउट कर देना क्या कहलाता है इजेशन e तो ये कुछ स्टेप्स थे जो हमने देखे अमीबा में तो एक छोटा सा इंट्रोडक्शन है आपको स्टेप्स ऑफ होलोजॉइक न्यूट्रिशन, इंजेशन द प्रोसेस ऑफ टेकिंग इन द फूड इज कॉल्ड इंजेशन दिस इज द रिविजन पार्ट डाइजेशन मीन द प्रोसेस ऑफ ब्रेकिंग कॉम्प्लेक्स फूड सब्सटांस इज इंटू सिंपल मोलिक्यूल इज कॉल्ड डाइजेशन यही आपको ऊपर बताया मैंने एब्जॉर्प्शन द प्रोसेस ऑफ एब्जॉर्प्शन ऑफ डाइजेस्टेड फूड इज कॉल्ड एब्जॉर्प्शन एसीम्युलेशन एसीम्युलेशन द प्रोसेस ऑफ यूटिलाइजेशन ऑफ डाइजेस्टेड फूड फॉर एनर्जी और फॉर ग्रोथ एंड रिपेयर हमारी बॉडी के अंदर जो नुकसान होते हैं जो हमें चोट आती है जो कभी हम गिर जाते हैं चोट आने पर सेल्स का रिपेयरिंग का, का काम भी करता है ई जैशन क्या है ई जैशन मीन द प्रोसेस ऑफ रिमूविंग अनडाइजेस्टेड फूड फ्रॉम द बॉडी इज कॉल्ड ई जैशन आई थिंक ये पांचों स्टेप्स आपको याद हो गए होंगे अमीबा इज़ ए यूनिक एनिमल विच फॉलोज द होलोजोइक क्वेश्चन आता है कई बार कि एक एग्जांपल दीजिए या फिर अमीबा में न्यूट्रिशन एक्सप्लेन कीजिए वन और टू मार्क्स का क्वेश्चन बनता है तो होलोजोइक मोड पाया जाता है न्यूट्रिशन का इसमें क्या होता है द सेल मेम्ब्रेन ऑफ अमीबा कीप्स ओन प्रोट्रोडिंग प्रोट्रूडिंग इंटू स्यूडोपोडिया सीडोपोडिया आपको बताया फेक लैग्स अमीबा सराउंड्स अ फूड पार्टिकल विद सीडोपोडिया एंड मेक्स अ फूड वैक्यूल द फूड वैक्यूल कंटेन्स फूड पार्टिकल एंड वाटर डाइजेस्टिव एंजाइम्स आर सिक्रेटेड, एंजाइम सिक्रेट होते हैं फूड वैक्यूल एंड डाइजेशन टेक्स प्लेस आफ्टर दैट डाइजेस्टेड फूड इज एब्जॉर्ब फ्रॉम द फूड वेक्यूल फाइनली द फूड वैक्यूल मूव्स नियर द सेल मेमब्रेन कैसे होता है आउट जो वेस्ट है वो मूव करता है फूड वैक्यूल एंड अनडाइजेस्टेड फूड इज एक्सपेल्ड आउट ठीक है दिस इज दार्ट ऑफ ई जैशन ओके थैंक यू एवरी वन नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे ह्यूमन बींग के अंदर जो है न्यूट्रीशन कैसा होता है So thanks, have a nice day.